झारखंड के परीक्षार्थियों के इंतजार की घड़ियां आज खत्म हो गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम जारी कर दिया है। 12वीं के सिर्फ साइंस विषय का जो परिणाम है वो आज जारी किया गया है और कला और कॉमर्स का जो परिणाम है वो एक सप्ताह बाद जारी होगा, ये जानकारी खुद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दी है। साथ ही साथ अगर आंकड़ा की बात करें तो आंकड़े में कुछ ऐसा है कि मैट्रिक में 4 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, मैट्रिक में 95.5% परिणाम रहा है। वहीं अगर हम लोग शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री लगातार तमाम जो सफल अभ्यर्थी है, तमाम जो सफल छात्र छात्राएं हैं उनको लगातार शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहे हैं। झारखंड बोर्ड की ओर से जो बताया गया वो हम आपको बता रहे हैं कि 10th में 60.4% छात्र फर्स्ट डिविजन से पास हुए हैं, वहीं 33.3% छात्राएं जो है वो सेकेंड डिवीजन से पास हुए हैं, जबकि थर्ड डिवीजन में 6.3% छात्र पास हुए हैं। झारखंड बोर्ड मैट्रिक में टॉप 10 में 147 छात्र छात्राएं शामिल है, मैट्रिक में 5 छात्रा और 1 छात्र शामिल है। क्योंकि अगर आपको हम लोग इंटर की बात बताएं तो इंटर में 92.19% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं, वहीं इंटर में जमशेदपुर के अभिजीत शर्मा झारखंड टॉपर बने हैं, साथ ही साथ तन्नु और रिया कुमारी भी झारखंड टॉपर बनी है। लंबे समय से जो छात्र छात्राएं हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कब जैक 10th और 12th का रिजल्ट जारी करेगा और आज इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। कह सकते हैं कुल मिलाकर जो बातें सामने आ रही है वो यही है कि इस बार भी लड़कियों ने बाजी मार ली है। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।